सारी सभा चली गई। नारद जी ने कहा बैठे हैं, तो गणों ने कहा कि महाराज चलो ना। कहा? बोले अब घर चलो, सब काम हो गया है। तो बोले कहा? अभी तो कन्या आएगी, हार पहनाएगी, तब ना घर चलेंगे। बोले वो तो आ भी गए, गले में माला डल भी गई और वहां से चले भी गए हैं। बोले कहा? बोले आए थे वो बैकुंठ धाम से, चार हाथ वाले दो हाथ बना करके वो गले में माला टंगवा करके चले गए लेकर। बोले तुम लोग तो कह रहे थे कि मेरे बराबर कोई सुंदर ही नहीं है। तो गणों ने कहा कि वो तो हम अब भी कह रहे कि आपके बराबर कोई सुंदर ही नहीं है, जरा अपना चेहरा देखो। श्री नारद जी ने अपना चेहरा जैसे ही देखा, जल में दर्पण था नहीं, जल में देखा, मारे काट बदने भयंकर दे चेहरा क्रोध से लाल हो गया। दोबारा देखा वो अपना स्वरूप पा गए, लेकिन नारद जी को क्रोध आ गया कि सारे जगत के सामने आपने मेरी हंसी करवाई है, इसलिए मैं आपको निश्चित रूप से सजा दूंगा। और गणों के पास में आए, कहा जाकर के राक्षस बन जाओ, दुनिया में कोई गलती करे तो ठीक है, लेकिन अगर संत गलती करे तो संत जाने और भगवान जाने, लेकिन इतनी बड़ी गलती आपने मेरी हंसी करके की है, इसलिए मैं शाप देता हूँ कि तुम संसार में जाकर के राक्षस बन जाओ। तो गणों ने कहा कि हमने तो केवल आपको सूचना दी, तो आपने इतनी बड़ी सजा दे दी, और जो जिसने आपको सुंदरता दी है उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो श्री नारद जी ने कहा कि हाँ हाँ, मैं उसी के पास में जा रहा हूँ। गणों को शाप दिया, नारद जी यहाँ से आगे बढ़े, तो भगवान उसी समय सामने प्रकट हुए, अभी धाम में पहुंचे नहीं थे। तो श्री प्रभु के पास में एक तो श्री लक्ष्मी जी को देखा, और दूसरा उनके पास में यही कन्या बैठी हुई थी। तो नारद जी देख करके और जल करके राग हो गए, बोले मेरी एक भी नहीं करने दी और आप दो दो करके बैठ गए हैं। तो भगवान हंसने लगे, तो श्री नारद जी ने कहा इतना जोर से फटकार रहा हूँ फिर भी हंसी जा रहे हो। प्रभु ने कहा हंसने वाला प्रसंग होगा तो मैं हंसी रहा हूँ, यह प्रसंग ही हंसने वाला है इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। तो बोले अच्छा, आपने सदैव भोली हंसी में लोगों को फंसाया है, लेकिन याद रखना मैं फंसने वाला नहीं हूँ, मैं आपको शाप दूंगा। तो श्री प्रभु ने कहा कि संत कभी शाप दे ही नहीं सकते। बोले पक्के में मेरा शाप होगा। भगवान ने कहा ठीक है, हम खड़े हैं कैच करने के लिए, आप दीजिए। तो श्री नारद जी ने कहा कि मेरा पहला शाप है कि आपने मानव बन करके मुझे ठगा है, आप हो भगवान लेकिन भगवान के लायक आपने काम नहीं किया है, इसलिए मेरा श्राप है कि आप पृथ्वी पर जाकर के मानव बनो, क्योंकि है ना अब आपको भी यहाँ बैठे बैठे बहुत ज्यादा इतराना आ रहा है, इसलिए आप भगवान के लायक नहीं हो, तो पृथ्वी पर जाकर के मानव बन जाओ। श्री प्रभु हंसने लगे, बोले ये तो वरदान हो गया, और ये वरदान कैसे हुआ? बोले आपने कहा है कि पृथ्वी पर जाकर के मानव बन जाओ, तो इस भारत भूमि में मानव बनने के लिए तो मैं भगवान भी तरसता हूँ, इसीलिए ये तो आपने आशीर्वाद दे दिया है कि संसार में जाकर के मैं मानव बनूं, तो संसार में मनुष्य बनने के बाद में यहाँ पर पुण्य अर्जित भी कर सकते हैं, और स्वर्ग में क्या होता है? बोले यहाँ वहां तो कमाया हुआ केवल जाता है, कुछ कमाई दूसरी होती नहीं है, इसलिए मैं भी मानव बनने के लिए इस भारत भूमि में आना ही चाहता था। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा तो श्राप होगा, कहा ठीक है मैं दूसरा भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो श्री नारद जी ने कहा कि दूसरा मेरा ये श्राप है कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, मेरी हंसी करवाई है, मुझे रुलाया है, तो त्रेता में आपकी पत्नी का हरण होगा और मैं क्या मुझसे ज्यादा आप रोओगी। तो श्री भगवान हंसने लगे, बोले ये तो बड़ा वाला वरदान हो गया, ये वरदान किसे हुआ? बोले आप जिस समय श्राप देने की तैयारी में थे तो उस समय मैं डर रहा था कि कहीं ये श्राप न दे दे कि संसार में तो जाओगे लेकिन कुंवारे ही रहना पड़ेगा। आपने श्राप क्या दिया है कि पत्नी का हरण होगा, इसका मतलब संसार में भी जाऊंगा और शादी भी होगी और पत्नी सुंदर भी होगी, बदसूरत को कौन उठा के ले जाए, सुंदर होगी तब ना उठाएंगे, तो शादी भी होगी सुंदर भी होगी, फिर रोना होगा तब रोलेंगे, वो देखा जाएगा जब रोना होगा तब, लेकिन हाल फिलहाल में तो ये वरदान है। तो श्री प्रभु
नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, तीसरा तो पक्के में श्राप होगा। बोले हाँ दीजिए। तो तीसरा मेरा ये श्राप है कि आपने जो वानर रूप दे करके जग की सामने मेरी हंसी कराई है, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि त्रेता में ऐसे संकट में पड़ोगे कि आपके पास में शस्त्र सब कुछ होगा, लेकिन संकट में पड़ते समय ना तो आपके पास शस्त्र होंगे, ना आपके पास में प्रशिक्षण प्राप्त सेना होगी। इन वानरों से ही आपको सहायता लेना पड़ेगा और आपको युद्ध करना पड़ेगा। ये मेरा तीसरा शाप है। भगवान ने कहा यह तो और सुंदर आशीर्वाद होगा। बोले कैसे? बोले संसार के लोगों के सामने मैं खुद उदाहरण दूंगा कि मानव बन करके मेरी पूजा कर रहे तो मेरी खोपड़ी पे एहसान थोड़ी कर रहे हो। मैंने तो मानव तन दिया ही मेरी भक्ति के लिए, लेकिन मनुष्य तू क्या मेरी सेवा करेगा जो सेवा वानरों ने, रीच भालुओं ने, पशु होकर के मेरी सेवा की है। तो ये तो बहुत बड़ा और भी आपका वरदान होगा। अब श्री नारद भगवान को देखे, भगवान नारद जी को देखे, अब वो माया हटी तो नारद जी को होश आया। नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरा जो श्राप है वो झूठा हो जाए, गलती हो गई। श्री प्रभु ने कहा मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। प्रभु ने कहा कि मेरी इच्छा से ऐसा हुआ है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो। भक्तों से जब गलती होती है ना तो भगवान थोड़ी सी योजना बनाते हैं और योजना बना करके भक्त की गलती को सही भी कर देते हैं और फिर सारा बोझ अपने सिर पर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि श्री प्रभु सोचते हैं कि अगर ये गलती का बोझ खोपड़ी पे लेकर के घूमेगा तो मेरा चिंतन कम करेगा और उस बात का चिंतन ज्यादा करेगा, तो इसलिए भगवान टेंशन फ्री कर देते हैं कि चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी को सतनाम जप करने के लिए भेज दिया। नारद जी यहाँ से चले जाते हैं और शिव जी ने कहा कि अब श्री प्रभु के अवतार का अगला कारण मैं बताता हूँ देवी। बोले हाँ बताइए प्रभु। बोले अगले अवतार का कारण है श्री मनु महाराज जी और शत्रुपा जी के द्वारा। देखो अलग अलग कल्प में अलग अलग अवतार हुए हैं श्री प्रभु के। आप और हम लोग जो कथा सुनते हैं, ये श्री राम जी का आगमन किनके द्वारा होता है? इन भक्तों के द्वारा होता है जिनका वर्णन हम अब सुनेंगे, श्री मनु महाराज जी और शत्रुपा जी। बाकी समय में श्री राम जी आए तो हैं, लेकिन स्फूर्ति अवतार है श्री प्रभु का, आए और गए, आए और गए। जैसे नरसिंह भगवान का अवतार कैसे हुआ, खंबा फटा, प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को मारा और यहाँ से चले गए। द्रौपदी जी की साड़ी जब बढ़ाते हैं प्रभु तो साड़ी नहीं बढ़ती है, साक्षात साड़ी का अवतार ही श्री कृष्ण लेते हैं और साड़ी में साड़ी, साड़ी में साड़ी, साड़ी में साड़ी जोड़ते, वो स्फूर्ति अवतार है, प्रकट हुए और अदृश्य हो गए। लेकिन श्री राम अवतार और कृष्ण अवतार में भगवान ने लीला की है पृथ्वी पर, और ये लीला राक्षसों के लिए नहीं आते, भगवान संतों भक्तों के लिए प्रभु आते हैं। तो ये तपस्या किसने करी थी? श्री मनु महाराज और शत्रुपा जी ने। मनु महाराज जी एकांत में बैठते हैं और अपनी पत्नी से कहते कि राजपाट भोग लिया है, सर्वत्र संसार के सृष्टि का जस जो है प्रभु ने हमको दिया है, लेकिन जिस भगवान ने हमको बनाया उस भगवान को आज तक हमने भजा नहीं है। मनु जी चिंतन करते हैं और ये चिंतन केवल मनु जी के लिए नहीं है, आपके और हम सबके लिए है। कभी भी हम एकांत में बैठ करके सोचते हैं कि भगवान ने जो दो चरण दिए हैं हम आज तक तीर्थ में क्या गए हैं, तीर्थ में जिस भगवान ने दो हाथ दिए हमने कभी उसका पूजन किया है, जिस भगवान ने दो आंख दिए हम उनके कब दर्शन करेंगे, कान दिए हैं उनकी कथा कब सुनेंगे, मन दिया है उनका भजन हम कब करेंगे। तो यही मनु महाराज जी पश्चाताप करते हैं कि हीरे के समान जो श्वास है वो पानी की तरह चली जा रही है, और शरीर में देखो सबसे ज्यादा अनमोल चीज कौन सी, अच्छा बताओ। आंख नहीं होगी तो भी जी सकते हो, पैर अगर नहीं है तो भी जिया जा सकता है, कठिनाइयां होगी लेकिन फिर भी जी सकते हैं, हाथ नहीं है तो भी जी सकते हैं, कान नहीं है तो भी जी सकते हैं, लेकिन इस शरीर को शमशान घाट में कब उठा के ले जाते लोग, जब ये श्वास बंद हो जाती है तो फिर चाहे कितने भी लाडले हो कोई भी घर में रखना पसंद नहीं करता है, एक दिन तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो श्वास ही शरीर में अनमोल है, और भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन मैं श्वास नहीं दूंगा, जितना आपके भाग्य लिखवा के लाए हो उतनी श्वास दूंगा, उसे एक भी ज्यादा श्वास मैं आपको नहीं दे सकता। तो इसीलिए मनु महाराज जी ने कहा कि हमारी जो श्वास है सब व्यर्थ जारी है, हम कब भगवान को याद करेंगे, कब भगवान का भजन करेंगे। और याद रखना भगवान तो संतों और शास्त्रों के माध्यम से चेतावनी देते हैं, और अगर उसके बावजूद भी हम खटिया पे पड़े पड़े सोचते कि भगवान ही ऐसी कृपा कर दे, तो भगवान हम सबके पिताजी के नौकर नहीं है।
प्रभु ने कहा है कि तुम दो कदम बढ़ाओ तो मैं 60 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ और बढ़ाते भी है, लेकिन तुम दो कदम भी अगर नहीं बढ़ाओ और सोचो कि भगवान खुद ही आ जाए तो फिर मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, पड़े रहो इसमें नहीं, फिर 84 राह के उन्हीं में भटकना और उसके बाद फिर आना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, रोते रहो। दर्श दिखा दे गोपाल तुझे, तेरे भक्त बुलाते हैं। दर्श दिखा दे गोपाल तुझे, तेरे भक्त बुलाते। दर्श दिखा दे गोपाल तुझे, तेरे भक्त।
जी शत्रुपा जी दोनों साधना करने तपस्या करने के लिए जैसे आश्रय घर से निकलते हैं तो घर से निकलने के बाद देखो झंझट होता है। अगर घर से निकलने के बाद में वास्तविक संत के शरण में चले गए तब तो सही जगह पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर घर से निकलने के बाद नकली साधु के चक्कर में पड़ गए तो फिर मामला घर से भी ज्यादा बिगड़ जाता है। प्रताप भानु भी घर से निकलते हैं तो नकली साधु के पास पहुंच जाते, इसलिए रावण बनना पड़ता है। और मनु महाराज जी असली संतों के शरण में पहुंचते हैं, इसलिए श्री प्रभु के नाम की दीक्षा मिल जाती है और दोनों ने तपस्या शुरू की है। एक पैर पर खड़े होकर के 23,000 वर्ष की साधना श्री मनु महाराज जी और शत्रुपा जी ने की है, एक पैर पर खड़े होकर के। और ध्रुव जी और प्रहलाद जी ने कितनी साधना की है, मात्र 6 महीने का भजन किया है और भगवान की प्राप्ति हो गई है। और महाराज मनु जी और शत्रुपा जी को 23,000 वर्ष की साधना करनी पड़ी तब भगवान मिले हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि श्री प्रहलाद जी और ध्रुव जी ने जो राजपाट था ये सारा काम बाद में इसका भोग किया है, और बाल्य अवस्था में जो निर्मल अवस्था थी उसमें ये भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े हैं। तो जो शुद्ध अवस्था है अगर उसमें निकल पड़े तो भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। और मनु महाराज जी इन्होंने पहले राजपाट शादी ब्याह कर किया, राजपाट का भोग किया, उसके बाद में भगवान को पाने गए, इसलिए 23,000 वर्ष की साधना करनी पड़ी। और एक पैर पर दोनों लोग खड़े हैं। अब बताओ कि ये लोग कहते हैं ना कि पति देव करे तो पत्नी को ऐसे ही मिल जाएगा और पत्नी करेगी तो पति को ऐसे ही मिल जाएगा, पर ये कथा तो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पति देव भजन करेंगे तो पति का पति के साथ में, और पत्नी करेगी तो पत्नी का पत्नी के साथ में रहेगा। कथा अगर जोड़ी सुन रही है, जोड़ा जी घर में सो रहे हैं तो वो सोने में ही रह जाएंगे और आप नहीं अपार हो जाएगी। अर्थ है कि भगवान के भजन में हिस्सा नहीं होता है, ठीक है धार्मिक कार्य में नियम है, कह देते हैं संत महात्मा वक्ता लोग की मिल जाता है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से भगवान का भजन तो दोनों को करना पड़ेगा, दोनों को पाना है, जो करेगा उसको मिलेगा। मनु महाराज जी अगर अकेले जाते तो क्या लाला बनते श्री प्रभु, माँ को भी साथ में जाना पड़ा। और मनु महाराज जी से साधना माँ ने कम नहीं की, माँ भी एक पैर पे खड़ी है, और 23,000 वर्ष की अखंड साधना पति पत्नी दोनों ने मिलकर के की है। शरीर हड्डी का ढांचा हो गया, बार बार ब्रह्मा जी आते हैं, फल लेकर के किया वो छोड़ दिया, जल लेकर के किया वो छोड़ दिया, पत्ते खा करके ले रहे कर रहे थे वो भी छोड़ दिया, वायु को लेकर के साधना कर रहे थे अंत में वायु भी लेना छोड़ दी। और जब भक्त वायु को लेकर लेना छोड़ करके साधना भजन करे तो उसके शब्दों का प्रभु के नाम के उच्चारण का प्रभाव संपूर्ण वातावरण में फैल जाता है, और यहाँ तक कि देवताओं की श्वास भी बंद हो जाते हैं। तो भक्त श्वास बंद करता है तो देवताओं की श्वास बंद हो जाती है, और सारे देवता घबराए कि जब तक ये दोनों श्वास ना ले इनको वरदान मिलेंगे मिले तब तक ये श्वास लेंगे नहीं, और हमारी श्वास कैसे, हम भी मर जाएंगे। तो बार बार ब्रह्मा जी आते हैं कि मनु महाराज जी शत्रुपा जी ब्रह्मा का लोक ले लो लेकिन तब छोड़ दो, इन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए और हम तब नहीं छोड़ेंगे। विष्णु जी आए, विष्णु लोक ले लो तब छोड़ दो, कहा हमें नहीं चाहिए। भगवान श्री नारायण आए, शिव जी आए, बोले कैलाश पर्वत ले लो तब छोड़ दो, इन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। अंत में देवराज इंद्र आए, स्वर्ग ले लो तपस्या छोड़ दो, कहा हमें नहीं चाहिए आपका इंद्र लोग भी। अंत में सारे लोगों ने प्रार्थना की, भगवान निराकार ब्रह्म ने सोच लिया कि अभी वरदान देना ही पड़ेगा, तो निराकार ब्रह्म ने कहा, सगुण निराकार वाले लड़ते ना तो उसका उत्तर श्री रामचरितमानस यहाँ देता है। निराकार ब्रह्म ने कहा कि हे मनु महाराज जी, दानियों में शिरोमणि मान करके मुझसे जो चाहिए वो आप मांग लीजिए। जब से आए हैं तब से शरीर कैसा हो गया है, बिल्कुल हड्डी का ढांचा हो गया, लेकिन आज जैसे ये अमृतवाणी कान पर पड़ी तो शरीर कैसा हो गया, जैसे अभी अयोध्या से चल करके आ रहे, हष्ट पुष्ट हो गए। मनु महाराज जी मांगिए क्या चाहिए, तो मनु जी ने आंख खोल करके देखा कि जो मांग मांग कर रहा है सामने आए तब ना मांगे। तो मनु जी ने कहा कि देने वाला सामने प्रकट हो तो मैं मांगू, तो देने वाला कहता कि मैं सामने नहीं आ सकता, मैं तो बिना ही कान के सुनता हूँ, बिना आंख के देखता हूँ, बिना पैर के चलता हूँ, बिना हाथ के करता हूँ, मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मैं तो निराकार हूँ। तो मनु जी ने कहा फिर जाइए आप अपने घर और हमको फिर साधना करना है, हम नहीं मांगेंगे जब तक आप सामने नहीं आओगे। तो निराकार ब्रह्म ने कहा कि मेरा कोई स्वरूप ही नहीं है तो मैं कैसे आऊं। मनु जी ने कहा फिर आपके साधु महात्मा शास्त्र पुराण सब झूठे हैं,
मान ले। इन्होंने कहा हमने देखा है, हमने देखा तो मान ले झूठा। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, उनको झूठा नहीं मानना है, वो सब सही है। तो बोले वो सब सही है, जब वो लोग देख सकते तो हम क्यों नहीं देख सकते आपको। तो भगवान ने कहा कि भैया समस्या ये है कि उन लोगों ने मुझे स्वरूप प्रदान किया, ना मैं निराकार हूँ ना मैं सगुण हूँ, मैं तो भक्तों का सदाकार हूँ। जब जो भक्त मुझे स्वरूप प्रदान कर दे मैं उसी स्वरूप में आ जाता हूँ। मुझे ब्रह्मा के रूप में भजे ब्रह्मा बन के आ जाता हूँ, राम भजे राम के रूप में आ जाता हूँ, कृष्ण भजे कृष्ण बन के आ जाता हूँ, दुर्गा भजे दुर्गा के रूप में आ जाता हूँ, शिव भजे शिव के रूप में आ जाता हूँ, गणेश जी भजे गणेश के रूप में आ जाता हूँ। मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मुझे तो आकार देना पड़ता है। पानी का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन माताएं गोल वाली प्लेट में अगर भर के फ्रिज में रखे तो बर्फ कैसा जमेगा? गोल जम जाएगा। और अगर चौकोर प्लेट में भरे तो बर्फ कैसा जम जाएगा? चार चौकोर बन जाएगा, पर उसका आकार नहीं होता, ना रंग होता है। तो प्रभु ने कहा मुझे स्वरूप प्रदान करो। तो भगवान अब मनु जिनका क्या आपका कोई स्वरूप देखते तो काहे माथा पच्ची इतने बरस यहाँ करते, हम क्यों साधना करते, आपको देखा ही नहीं कभी। तो भगवान का तो बड़ी समस्या आ गई, तुमने कोई रूप देखा नहीं है, तुम कोई रूप बता नहीं सकते और मैं बिना रूप के आ नहीं सकता। तो मनु महाराज जी ने कहा कि अच्छा ठीक है प्रभु, दो लोगों ने आपका स्वरूप देखा है, अब उन्होंने कौन सा स्वरूप देखा ये तो मुझे पता नहीं है, वो आप जानो और वो आपके भक्त जाने, पर उन दोनों लोगों का नाम अगर मैं बता दूंगा तो आप उस स्वरूप में आ जाओगे, ये आप जानो कि उन्होंने कौन से स्वरूप में आपको देखा है। तो श्री प्रभु ने कहा कि ठीक है, अब आप दो लोगों के नाम बता कि कौन है वो दो लोग जिन्होंने मेरा स्वरूप देखा है। तो श्री मनु महाराज जी कहते कि प्रभु जो सा